इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2019 के परीक्षाफल की घोषणा शिक्षा विभाग के मंत्री कृष्णानंद प्रसाद वर्मा ने की। परीक्षा परिणाम घोषणा कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी उपस्थित रहे। मंत्री कृष्णानंद प्रसाद ने कहा कि मात्र 12 दिनों में रिजल्ट जारी कर बिहार को गौरवान्वित किया गया है। वहीं आनंद किशोर ने कहा कि इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक परीक्षा फल रिकॉर्ड समय से पहले जारी किया गया था। रिपेयर रिजल्ट और बिहार बोर्ड ने पुनः इतिहास रचा है। इनके नेतृत्व में इनके देखरेख में जो काम यह कई वर्षों से बोर्ड कर रहा है, आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बिहार का नाम पूरे देश में रोशन हुआ है और अन्य राज्यों से लोग संपर्क में हैं, टीमें आ रही हैं। भाई आपने क्या संभाल किया इतना पहले रिजल्ट कदाचार मुक्त परीक्षा और परिणाम का प्रतिशत भी बहुत अच्छा, तो ये सब कुछ बिहार में एक बदलाव का संकेत देता है। और अगस्त या सितंबर में कंपार्टमेंटल का रिजल्ट अपना जारी हुआ करता था, इस बार चूंकि मई माह में ही कंपार्टमेंटल का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, तो ये जो 1,00,000 विद्यार्थी लगभग उन्होंने इसमें भाग लिया, इसमें जिन्होंने उत्तीर्णता हासिल की है, ये अब देश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहां तक कि कुछ अन्य प्रमुख बोर्ड यथा CBSE की भी कंपार्टमेंटल की परीक्षा जुलाई माह में ही आयोजित होने वाली, जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है CBSE द्वारा, उसके अनुसार जुलाई माह में कंपार्टमेंटल की परीक्षा आयोजित होगी और उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार बिहार बोर्ड न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड बल्कि देश के अन्य सभी बोर्डों से इस मामले में तकनीक, उच्च गुणवत्ता और गति के मामले में बिहार बोर्ड ने इतिहास स्थापित किया।